हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रिंसेस चीकू का ये इंस्पायर्ड मेकअप लुक। मुझे उनका ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो भी मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स है, इनकी हेल्प से मैंने ये आज मेकअप लुक किया है। तो आई होप कि आपको पसंद आएगा और वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और गाइस, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये मैंने कैसे किया है। तो मैं यहां पर ले रही हूं सबसे पहले अपनी क्रीज लाइन पर ये लाइट ऑरेंज कलर का शेड लगा लूंगी मैं ये, और ये कुछ ब्राउन और कुछ ऑरेंज सा शेड है, और ये ब्राउन कलर मैं अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहां पर ले रही हूं ये रेड कलर, और इसे भी मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपनी क्रीज लाइन पर लगा लूंगी। और अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहां पर ले रही हूँ ये पिंक शिमर शेड ले रही हूँ मैं ये, और इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से लगा लूंगी अपनी आईलिड पर। और नेक्स्ट मैं यही शेड जो मैंने क्रीज लाइन पर लगाया था अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। ये मैक आईब्रो पेंसिल है, तो मैं इसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ फेसिस कैनेडा का काजल, और मैं इसे एक स्मॉल फ्लैटर ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा स्मज कर लूंगी अपने काजल को। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ब्लू हेवन का काजल, और मैं इसे थोड़ा सा अपने आउटर वी पर लगाऊंगी। मैंने हाफ आउटर वी पर लगाया है, पूरी आईज पर नहीं लगाना है इसे, बस थोड़ा सा मैं इसे इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। और मैं इसी एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसे थोड़ा सा स्मज कर लूंगी। और अब चलते हैं फेस मेकअप की तरफ, और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सबसे पहले मेकअप प्राइमर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी मैं। नेक्स्ट मैं इसे मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी। और मैं अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लूंगी कर्लर की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा, और आप चाहें तो फॉल्स लैशेस भी वेयर कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर फॉल्स लैशेस नहीं लगाए हैं। मैं मस्कारा के ही 2 से 3 कोट अप्लाई करूंगी अपनी आईलैशेस को घना दिखाने के लिए। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टोर कर लूंगी। ये स्विस ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक है, और ये 2-in-1 कंट्रोल स्टिक है। इसमें हाइलाइटर भी आपको मिल जाता है और कंट्रोल स्टिक भी मिल जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा लूंगी ब्लश। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा ये जो ब्लश का जो लिड है वो टूटी हुई है। काफ़ी टाइम पहले ये टूट गई थी, एक्चुअली ये मुझसे ही टूट गई थी, तो मैं अभी नया लेने वाली हूँ ब्लश। और वैसे ही काफ़ी अच्छा ब्लश है, काफ़ी पिगमेंटेड है। और अब मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ यहाँ पर, और ये सिवाना का हाइलाइटर है, काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है, काफ़ी पिगमेंटेड है ये भी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिपस्टिक। मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने लिप्स को फिल कर लूँगी लिप लाइनर की हेल्प से,
और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक, जो कि मेरी ड्रेस के साथ बहुत ही अच्छे से मैच होगी। बहुत ही प्यारा कलर है ये। और ये मेरा फाइनल लुक है। आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं गाइज़। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और तो चलिए मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।